नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। एसआरके की नई फिल्म का ऐलान, राजकुमार हिरानी की डंकी में करेंगे काम। सिंघम फेम काजल अग्रवाल बनी माँ, एक्ट्रेस ने दिया बेटे को जन्म। इलायची का ऐड करता हूँ, अगर इतनी नुकसानदेह है तो बिकनी ही नहीं चाहिए, अजय ने कहा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नवजात बेटे की मौत, ट्वीट कर दी जानकारी। यजुवेंद्र चहल ने ली सीजन की पहली हैट्रिक, केकेआर के खिलाफ कमान। आप नेता आतिशी का बड़ा दावा, जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार है बीजेपी नेता। पीएम मोदी ने जामनगर में किया WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास। दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के कानून को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। यूपी में सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में टीचर और कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य। यूपी में मदरसे में अब छात्र पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की गाथा। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक, दिग्विजय सिंह AK एंटनी पहुंचे। पंजाब में गुरुवार को गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। 3 मई को पूरे महाराष्ट्र में मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर आरती करेंगी राज ठाकरे की पार्टी MNS। यूपी में 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली हिंसा पर बोले संजय राउत, MCT चुनाव के चलते दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निस्टो कोरोना पॉजिटिव हुए। रूस की तरफ से 37 यूरोपीय राजनयिकों को बर्खास्त किया गया। जम्मू कश्मीर में फिर तैनात होगी पैरामिलिट्री फोर्स की 100 कंपनियां, 5 राज्यों के चुनाव में बुला ली गई थी। सपा नेत्री रूबीका खानम बोली, अजान से रोका तो मंदिरों के सामने कुरान का पाठ करेगी मुस्लिम महिलाएं। L&T इन्फोटेक Q4 का शुद्ध लाभ 17% से बढ़कर 637 करोड़ रुपए, फर्म ने अंतिम लाभांश की घोषणा की। पीएम मोदी ने बनासकांठा में डेयरी परिसर का किया लोकार्पण। रूस के वित्त मंत्री ने भारत की विदेश नीति की सराहना की, जयशंकर को बताया असली देशभक्त। जहांगीरपुरी हिंसा, ओवैसी बोले शोभा यात्रा में लहराए गए हथियार, मस्जिद के सामने लगाया झंडा। जहांगीरपुरी हिंसा, सोनू शेख को 30,000 कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। जम्मू कश्मीर में शोपिया में आतंकियों ने CRPF जवानों पर की फायरिंग। लाउडस्पीकर से अजान का विवाद गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा, 9 मई को सुनवाई। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में माओवादी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी, एक हेड कॉन्स्टेबल घायल। यूक्रेन दौरे पर नहीं जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, व्हाइट हाउस ने कहा। यूपी में कोई भी धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा, CM योगी का आदेश। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। नोएडा में गाजियाबाद, लखनऊ में मास्क पहनना अब अनिवार्य, दिल्ली में मास्क पहनना फिर होगा अनिवार्य। न्यूजीलैंड ने रूस के सेंट्रल बैंक समेत 18 वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया, यूक्रेनी मीडिया ने कहा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1247 नए केस सामने आए। यूपी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले भाजपा विरोधी, भारत विरोधी न बने। LIC IPO पब्लिक ऑफर की टाइमिंग पर फैसला जल्द। गाजियाबाद में धारा 144 की गई लागू, सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य। NCR के जिलों में पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य, CM योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कोरोना पॉजिटिव, कई मामलों में सुनवाई टली। जाति धर्म पर नहीं, सबूतों के आधार पर हो रही जहांगीरपुरी हिंसा में जांच, पुलिस कमिश्नर ने कहा। हिंदू संगठन का दावा, हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के लिए ली गई थी अनुमति। असम में तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में अब तक 23 लोगों की मौत। यूपी में संयुक्त BEd परीक्षा 6 जुलाई से होगी। गुजरात में पीएम मोदी ने किया बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन, 600 करोड़ में हुआ तैयार। लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट मेट्रोपॉलिटन एडिशन की बुकिंग शुरू, कीमत 1.26 करोड़ रुपए से शुरू। 2022 वर्ल्ड कार अवार्ड, हुंडई लॉन्गक्विन 5 को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया। 2022 BMW F850 GS और BMW F850 GS एडवेंचर भारत में लॉन्च। राजस्थान में जीप की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर, 8 लोगों की मौत। जबलपुर में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मिमिक्री करने का आरोपी गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के अगले सेना प्रमुख। जियो फाइबर ने लॉन्च किया एंटरटेनमेंट बोनाजा ब्रॉडबैंड प्लान। दिल्ली में जारी है गर्मी का कहर, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान में अगले महीने आयोजित हो सकता है कांग्रेस का चिंतन शिविर। योगी की कैबिनेट मीटिंग में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मारियोपोल में रूसी सेना ने 40,000 नागरिकों को जबरन निकाला, मेयर का दावा। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 केस, इनमें 33 बच्चे भी शामिल।
देर से बिकवाली से सेंसेक्स 701 टूटा, आईटी शेयरों में गिरावट। अफगानिस्तान में 3 धमाकों से दहला काबुल का स्कूल, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। महाराष्ट्र में नासिक में पुलिस ने आजान से पहले और हनुमान चालीसा के बाद की गाइडलाइन जारी। आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद करने पर आईएमएफ चीफ ने की भारत की तारीफ। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई तीव्रता। अमेरिका में अब उड़ानों ट्रेनों पर मास्क अनिवार्य नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद दिया गया फैसला। और आइए अब जानते हैं 20 अप्रैल का क्या है इतिहास। सन 1939 में जर्मनी में तानाशाह एडोल्फ हिटलर के 50वें जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस भंग की गई। 1972 में अपोलो 16 अभियान 6 घंटों तक संकट से जूझने के बाद चंद्रमा पर उतर गया। सन 2011 में इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।